शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहे युवाओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर हंगामा कर दिया। वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयन के बाद 3 वर्षों से वेरिफिकेशन की उम्मीद देख रहे अभ्यर्थियों को एक बार फिर निराश होना पड़ा। दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए कार्यालय पहुंचे 96 अभ्यर्थियों को जब कार्यालय में कोई नहीं मिला तो सभी आक्रोशित हो गए। बाद में सभी कलेक्टर से मिलने पहुंचे तो उन्होंने लॉकडाउन का हवाला देकर तिथि बढ़ाने की बात की। बाद में जिला शिक्षा कार्यालय कर्मचारियों ने दरवाजों पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया लॉकडाउन के चलते आगे बढ़ाने का नोटिस चस्पा कर अभ्यर्थियों को आगामी तिथि पर आने के लिए कहा गया। इस पर सभी नाराज हो गए और लिखित में आश्वासन मांगने लगे, जहां पर पान सेमल खरगोन राजपुर सहित दूर दूर से आए अभ्यर्थी पूर्व में सूचना नहीं दिए जाने से नाराज नजर आए। सर, मेरा नाम मुकेश कुशवाहा है, मैं अंग्रेजी में सिलेक्टेड हूँ। कहाँ से आया हूँ? मैं राजपुर से आया हूँ। सर, क्या समस्या है? सर, समस्या यहाँ पर यह है, जबकि गाइडलाइन में यह स्पष्ट दिया गया है इस अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, इन सभी के लिए लॉकडाउन लागू नहीं हुआ है और अभी तक जो पोर्टल है उस पर भी किस तरह की कोई अपडेट नहीं है, अब तक भी नहीं है। मेरा 2 बजे वेरिफिकेशन का टाइम था, उस पर कोई अपडेट अब तक नहीं है। तो हम अपने शेड्यूल के हिसाब से आए हैं तो उसके हिसाब से वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब अचानक सूचना लगा दी जाती है, नियमानुसार वो पूरी तरह पोर्टल पर अपडेट होते तो हम भी नहीं आते आज। किस जगह खड़े हो आप? कौन से विभाग? ये जिला शिक्षा अधिकारी का विभाग, DO। इसके पहले काम मिलते हैं? हाँ, इसके पहले काम मुलाकात कलेक्टर, इसके पहले कलेक्टर कुछ लोग मिलने गए थे हमारा, चूंकि 2 बजे का टाइम था तो हम अभी आए हैं, है ना। पर कहीं पर कोई स्पष्ट स्थिति स्पष्ट नहीं है। आशंका? सर, आशंका तो कैसे व्यक्त करें, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन, ये वेरिफिकेशन तीसरी बार बढ़ा है। पहली बार वेरिफिकेशन हमारा था 5 जुलाई को, वो आगे बढ़ के गया 5 अप्रैल को, आज 12 अप्रैल को, अब ये बढ़कर कहाँ जाएगा, यही तो मन में आशंका है। 18 से पास क्या दिक्कत है? मतलब ना करना पड़ रहा आपका वेरिफिकेशन? दिक्कत तो है ना सर, आप कितनी बार मानसिक रूप से परेशान होंगे। 2018 की वैकेंसी है, 2018 की वैकेंसी में 2021 तक तो वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, मतलब सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमें कुछ तो समझ में आए। क्या आपको क्या इंटेंशन लग रहा है इस प्रकार की हरकतें आप लोगों के साथ हो रही है, उद्देश्य क्या? कुल मिला के सर इंटेंशन तो क्या है कि डिले करने का काम चल रहा है। कितने आंदोलन करने के बाद ये वेरिफिकेशन चालू हुआ? हमारे संगठन ने, चयनित शिक्षक संघ ने कई आंदोलन किए, उसके बाद ही वेरिफिकेशन चालू हुआ। अब उसके बाद इसको, पहले 5 अप्रैल को था, उसको बिना कोई कारण बताए 12 अप्रैल को कर दिया, जबकि कई जिलों में ये वेरिफिकेशन चल रहा है और इसमें कोई समस्या नहीं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, सैनिटाइजर वगैरह। हाँ, धार में चल रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसे गुजारा हो रहा है? अभी तो सर पहले प्राइवेट में थे, साल भर से फ्री बैठे हैं सर, सब प्राइवेट स्कूल वालों ने निकाल दिया सर। मेरा नाम मोनिका पाटीदार है और हम सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थी है। हम लोगों को आज 12 तारीख मेंशन की गई थी, जिसके अनुसार समय अवधि पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी का यहाँ पर अता पता नहीं है। हम लोग कब से धूप में परेशान हो रहे हैं, सुबह से, ना ही हमको पोर्टल पर कोई सूचना दी जा रही है और ना ही कोई जवाब दिया जा रहा है। किस लिए बुलाया गया था? हम लोगों को आज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। कहाँ से आए हैं? सब अलग अलग, बहुत दूर दूर से आए हैं। हम ठिकरी ब्लॉक से आए हैं, कोई खरगोन से आया है, कोई पान सेमल से आया है। सभी अपने अपने समय अवधि पर, किसी को 2 बजे का टाइम दिया गया है, किसी को 4 बजे का, सभी अपने समय अनुसार यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन हमको ना कलेक्टर ऑफिस से कोई जवाब मिला है, न यहाँ से कोई जवाब दिया जा रहा है और हम लोग कब से धूप में परेशान हैं। अभी तक कम से कम 50 से 60 लोग यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कर्मचारियों ने दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया है, जहां पर अतिरिक्त DPC ने बताया है कि पोर्टल पर मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन वाले जिलों में वेरिफिकेशन की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इस संबंध में विभाग द्वारा आयुक्त लोक संचालनालय को पत्र भी लिखा गया है, वहां से निर्देश मिलते ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। महेश कुमार निहाले, एडिशनल DPC, RMS से बड़वानी। चयनित अभ्यर्थी आए हुए हैं सर अपने कुछ मांगों को लेकर, उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, क्या कहूँगे सर? इसका कारण ये रहा है कि पूरे प्रदेश और देश में कोरोना के इस बेहद महामारी की वजह से माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पर 9 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है और कल ही पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है
वहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के पद के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथियाँ पृथक से घोषित की जाएगी, ऐसा जानकारी में आया है। तथा जिन जिलों में लॉकडाउन नहीं लगा है उन जिलों में दस्तावेज के सत्यापन का कार्य निर्धारित तिथियों के अनुसार यथावत जारी है। चूँकि हमारे जिले में लॉकडाउन लग चुका है और कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं, इसके पालन में ये सत्यापन कार्य इस कारणवश नहीं कराया जा रहा है। इसमें सत्यापन के तिथियां शासन के द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के मोबाइल पर अभी जैसे आई थी इसी तरह से वापस प्राप्त हो जाएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निगम की रिपोर्ट।